कि बहुत भावुक सी चीज देता हूं, एक चक्के इंडिया फिल्म है, इसमें शाहरुख खान नाम का हीरो, कभी नहीं दिखाई हो तो मैं चाहूंगा कृष्ण भाई इन बच्चों को आप चक्के इंडिया और दंगल, ये दो तीन मूवीज हैं, कभी दिखाना बैठ के। चक्के इंडिया में एक शाहरुख खान हीरो है, वो अपना कोई मैच हारता है, उस समय उसको मिलता है मेडल, मिलता है सिल्वर का, फिर वो किसी गर्ल्स की टीम का, लड़कियों की टीम का कोच बनता है, वो टीम के फाइनल मैच के पहले वो अपने मेडल को घसता रहता है, उसके असिस्टेंट जो होती है वो कहती है सर ये तो आपके वर्ल्ड कप का सिल्वर मेडल है, क्या कर रहे हो आप इसके साथ, तो कहता मैं इसको घस घस के गोल्ड में चेंज कर रहा हूं, ये मेडल, माफी चाहता हूं कुछ लोग हो सकता आपको चिढ़ाएं भी हॉस्टल में, मैं तो कहता हूं जब आप पढ़ने बैठे इसको पेन के पढ़ने बैठे, जिस दिन आपका मूड ज्यादा अच्छा काम कर रहा हो उस दिन चाहे ना पहने, जिस दिन थोड़ा सा मूड हो कि मुझे मेडल पहनाया गया है, उस मेडल को वैसे आप जब आप थक जाएं इसको हाथ में लें कि मुझे इसको सिल्वर में या गोल्ड में चेंज करना है, वैसे ये मेडल आपके लिए केवल परंपरा है, तो माफी चाहता हूं आप इससे परंपराओं का बन जाएंगे। मेरा एक डायलॉग है, आज तक तो जो तुम करते आए, ये सब पे लागू होता है, आज तक जो तुम करते आए वही करते रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, नया कैसे मिल जाएगा, वो चाहे टीचर्स हो, संस्था के मालिक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, एक बात सुनना बेटा, आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा प्रेशर रहता है, मुझे मतलब संस्था के प्रधान को, डायरेक्टर को, मुझे आपसे ज्यादा लोड रहता है। इस पे भी कहानी बताऊं छोटी सी, काम सबको करना पड़ेगा, आप अभी सोचते होंगे बहुत काम करना पड़ रहा है, मैं मेरे बेटे से मिल गया था, अभी बेंगलोर है वो एनआईटी में, उसको मैंने कहा कि तेरी कॉलेज के कितने महीने बाकी हैं अभी, तो उसने कहा पापा मेरी कॉलेज के 20 महीने बाकी हैं, मैंने कहा तेरी जिंदगी में इन 20 महीनों से अच्छे जिंदगी कोई महीने नहीं आएंगे, पापा क्या बात कर रहे हो ये मजे हैं क्या, मैंने कहा ये मेरे को भी लगता था कॉलेज में, अब वो कॉलेज बहुत याद आती है, तो मैं भी कहता हूं ये जो दिन है 12th वाले जिंदगी में इनसे अच्छे दिन दोबारा नहीं आएंगे, इस दिन को एंजॉय करें पढ़ाई के साथ, अभी तो कुछ काम नहीं करना पड़ रहा आपको, अभी कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इसके बाद आप आईआईटी पीएमटी कंपटीशन, फिर सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रेशर, सिलेक्शन हो गए तो भी डिग्री का प्रेशर, डिग्री के बाद फिर मेडिकल के बाद पीजी करने के लिए प्रेशर, फिर जॉब का प्रेशर, फिर एक से दो हो जाओगे तो घर चलाने का प्रेशर, फिर आगे प्रेशर बढ़ते जाएंगे और तब तक पता नहीं चलेगा कब आप 45 की एज में आ जाओ, मेरी बात याद रखना, तब याद आएगा दिन तो वही ठीक थे, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, फायदे में रहोगे, इन्हें एंजॉय कर लो, ये सबसे प्यारे दिन है तुम्हारे। एक जंगल में एक हिरण और एक शेर, शेर मतलब राजा, हिरण मतलब बेचारा थोड़ा भोला और सिंपल पशु, तो शेर और हिरण, वो यार शेर से क्या तुलना करे, तुलना क्या करनी है, काम दोनों करना है। जंगल में एक शेर है एक हिरण है, शेर का नाम आते देखो आदमी बड़ा जोरदार है, आप किसी को कहो तू जानवर है क्या, गुस्सा हो जाता है, तू शेर है क्या, शेर क्या है, आदमी क्या बहुत अजीब सतरे का प्राणी है, आप किसी को तो आधा पागल है वो गुस्सा हो जाएगा, आप आधे समझदार हो, अर्थ एक ये है तो खुश जाता है, इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग भी ठीक कर लिया करो, नाराज वाले शब्द मत कहा करो किसी को, आधा पागल मत कहो किसी को, आधा शाणा कह दो, जानवर मत कहो शेर कह दो किसी को, खुश हो जाता है अगला, जो जान शेर भी जानवर ही तो है। तो डियर एक जंगल में एक हिरण है एक शेर है, शेर का नाम आते ही ओ साहब यूं, जैसे नाम आया किशन जी का, ओ यार संस्था के मालिक है भाई, वो मजे हैं गाड़ी घोड़े से मजे कर रहे हैं, है? स्टूडेंट को जिंदगी है क्या, सुबह से शांत पढ़ना पड़ता है, शेर का नाम आते ही साहब बड़ी चीज, हिरण बोला साहब सीधा बेचारा एक पशु पक्षी पशु, दोस्तों क्या फर्क है दोनों में, एक हिरण सुबह उठता है, उठते ही उसका पहला टारगेट पता है क्या होता है, कि मुझे दौड़ना पड़ेगा नहीं मुझे शेर खा जाएगा, हाँ या ना, और नहीं दौड़ेगा तो शेर खा भी जाएगा। हिरण को दौड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है, और शेर को उठते ही यह सोचना है कि भाई आज तो दौड़ना पड़ेगा नहीं शिकार हाथ नहीं आएगा, भूखे मर जाएगा। हिरण इसलिए दौड़ता है कि जान बचानी है, शेर इसलिए दौड़ता है कि शिकार करना है। दोस्तों आप चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 60% वाले हो, जो 90% वाले हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दौड़ना दोनों को पढ़ना, काम सब करना पड़ेगा।